लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है और छोटे राजनीतिक दलों की ताकत बढ़ती ही जा रही है। विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राज्य के छोटे छोटे राजनीतिक दल अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की पहल किसान नेता रविकांत तुपकर ने की है। रविकांत तुपकर ने कई छोटे और ताकतवर पार्टियों के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। रविकांत तुपकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह तीसरा मोर्चा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमने शुक्रवार को बच्चू कड़ू से मुलाकात की और कहा कि यदि कोई अन्य राजनीतिक दल पेशकश करेगा तो हम कार्यकर्ताओं की बैठक में निर्णय लेंगे। हम तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। बच्चू कड़ू इस तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हमने कोई भी निर्णय कार्यकर्ताओं से पूछे बिना नहीं लिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में अभी तक राजू शेट्टी से कोई चर्चा नहीं हो पाई है। रविकांत तुपकर ने कहा कि अगर तीसरा मोर्चा नहीं बना तो हम अपने दम पर लड़ने की तैयारी जुटा चुके हैं। हम जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रविकांत तुपकर ने शनिवार को कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इसमें बुलडाणा, चिखली, सिंधखेड़, राजा, खामगांव, जलगांव जामोद और महकर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। एक बार फिर 13 या 14 जुलाई को पुणे में प्रदेश के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि राज्य में और कहां लड़ना है। इसके अलावा राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम में भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे और इस बात पर विचार किया जाएगा कि विधानसभा में अकेले लड़ना है या तीसरा गठबंधन बनाना है। अगर रविकांत तुपकर तीसरी बार गठबंधन बनाते हैं और इस गठबंधन को राजू शेट्टी और बच्चू कड़ू का समर्थन मिलता है तो पहली बार राज्य विधानसभा में किसानों और विकलांगों की ताकत देखने को मिलेगी। आज तक चुनाव जातीय समीकरण पर लड़े जाते थे, हालांकि अब पहली बार किसानों और विकलांगों को एक साथ आकर चुनाव लड़ने की संभावना है। तो ये गठबंधन कैसे बनता है और गठबंधन में कौन कौन शामिल हो रहा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।